पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र के थाना सेक्टर 3 के अंतर्गत कुटी चौराहे पर स्थित मालवी पान सदन पर बीती रात मामूली सी बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी और उसके अन्य साथी पनवाड़ी की दुकान पर पिस्तौल लेकर पहुंच गए। पड़ोस में रहने वाले फारूक कबाड़ी से किसी बात पर विवाद हो जाता है। फारूक व उसके साथी पिस्टल लेकर पान की दुकान पर अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है और पिस्तौल से पानी की दुकान के मालिक को डराने धमकाने लगता है, फिर पिस्तौल को लहराने लगता है। वहीं उसके साथी पान की दुकान पर खड़े उत्तम पटेल की लाठी डंडों से पिटाई करने लगते हैं। वहीं आरोपी फारूक ने पिस्टल के कुंदे से उत्तम की नाक पर हमला कर देता है। वहीं इस हमले में पान की दुकान पर खड़े उत्तम पटेल और वह और उसका साथी दोनों घायल हो जाते हैं। किस तरह ये लोग पिस्टल लहरा रहे हैं, डंडों से मारपीट कर रहे हैं, पुलिस का इन्हें जैसे कोई खौफ ही नहीं है। वहीं पीड़ित थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देता है। इस घटना पर हिंदू संगठन पीड़ितों के साथ थाने पर पहुंच गया। संगठन के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि क्षेत्र का सौहार्दपूर्ण वातावरण बना हुआ है, इसे बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। पीथमपुर से संजय सोनगरा रिपोर्ट। सर मैं कल रात्रि 10:30 बजे के लगभग मालवीय पान सदन पे गया हुआ था चाय पीने के लिए। सर मैं चाय पी के कुर्सी पे से उठा और खड़े होकर बात कर रहा था सर वहाँ पे। इतने में सर मैं देखता हूँ कि जो पड़ोस में उनके मकान है फारूक जी का, वो आते हैं उनके दो लड़कों के साथ में और धारदार हथियार थे सर उनके हाथ में, पिस्टल थी और दोनों भाइयों के हाथ में सर डंडे थे और डंडे लेके आए सर। उन्होंने आते बराबर सर मेरे को माँ बहन की गाली देना चालू करा। वो बोलते बोले तू यहाँ क्या कर रहा है इतनी रात को, और यहाँ अगर आज के बाद दिखे तो गोली मार दूंगा। उसके बाद में सर उन्होंने माउजर लोड करने की कोशिश करी और मेरे पेट में अड़ाई सर, और उन्होंने फायर करने की कोशिश करी लेकिन सर वो माउजर फायर नहीं हुई जिससे सर उस टाइम मेरी जान चली जाती। उसके बाद में सर वो अगर माउजर फायर नहीं, उसके बाद सर उन्होंने मेरे को यहाँ पे नाक पे मारा उसी माउजर से, और आसपास जो लोग खड़े थे वो माउजर हवा में लहराते हुए उन्होंने कहा कि अगर आज के बाद यहाँ कोई भी ऐसा घूमता हुआ दिखा या यहाँ खड़ा दिखा तो मैं जान से मार दूंगा और हम गोली मार देंगे, आज के बाद यहाँ कोई भी नहीं दिखेगा। और सर जो दुकान वाले थे सर उनसे भी गाली गलौज करी गई सर और हमको भगाने की कोशिश करी गई सर। सर उत्तम पटेल क्या मामला है? कल रात को उत्तम कुमार के चाय की दुकान पे गया था कुटी चौराहे पर, उसके साथ फारूक और उसके लड़कों ने मारपीट की थी। इस संबंध में रात में अपराध कायम किया है और आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। किन धाराओं में मामला दर्ज है? उसमें 323, 294, 506, 34। और क्या सर ये जो अपराधी हैं आदतन अपराधी हैं या पहला नाम? इनकी भी जानकारी निकाली जा रही है, रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं इनका भी। आपका नाम? उप निरीक्षक लोकेश चौधरी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।